किसान आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत का बयान का वीडियो वायरल हो चुका है और एक बार राकेश टिकैत फिर चर्चा का विषय बने हुए हैं। ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मंगलवार को अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में प्रेस वार्ता कर राकेश टिकैत का ब्राह्मणों के लिए दिए गए तथाकथित बयान की निंदा की। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे बोले कि यूपी में असन्य विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए जहां विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अव्यावहारिक तरीके से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से ब्राह्मणों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं समाज में सक्रिय राकेश टिकैत जैसे किसान नेता आंदोलन का सहारा लेकर ब्राह्मण समाज के खिलाफ जहर उगल रहा है, जिससे ब्राह्मण समाज अपमानित अनुभव कर रहा है। जो आज करंट में मुख्य मुद्दा है वो ये है कि राकेश टिकैत का एक वीडियो सारी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो ब्राह्मणों के खिलाफ दुष्प्रचार कह लीजिए, अपशब्दों का प्रयोग कह लीजिए, कि वो जितने मतलब पश्चिम यूपी में वो कहीं पे अपनी भाषण दे रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि जितने यहाँ मंदिरों के पुजारी हैं वो समझ लें, पंडित जी समझ लें कि उन्होंने हमको चाय तक नहीं पिलाई है, उनको दूध भेजा जाता है। पहले जब गैया भैंसिया कहीं ब्याती है तो उसको जो है दूध भेजा जाता है, तो वो खुलेआम जो है वो समाज में वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि राकेश टिकैत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और यदि कहीं पे कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, राकेश टिकैत आते हैं तो जो हम लोगों के ब्राह्मण महासभा से संबंधित और अन्य सामाजिक संगठन हैं जो काम करते हैं, चाहे लखनऊ में करते हों चाहे कानपुर में करते हों, सभी से हम अपील करते हैं कि सब एकजुट होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से उनका विरोध करें और जो कानूनी कार्रवाई सरकार को है, सरकार राकेश टिकैत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।